गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं कुरारगांव मनप्पा माध्यमिक हिंदी शाला क्रमांक 2 में विज्ञान की शिक्षिका हूँ। तो आज के लिए आपके आपका सुविचार है कि जिस तरह बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सफलता प्राप्त होती है। इसी अच्छे विचारों के साथ आज हम विज्ञान भाग 2 का प्रकरण नंबर 17, जो है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, इसका अध्ययन करेंगे। और इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, वो है ऊतक, ऊतक के प्रकार, प्राणी ऊतक और प्राणी ऊतक के प्रकार। सबसे पहले थोड़ा याद करो कि सजीवों के शरीर के रचनात्मक व कार्यात्मक छोटी से छोटी इकाई कौन सी है। तो आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, तो वो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिका क्या होती है? सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही होती है। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, जिनसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित होती है। कुछ सजीव के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें हम एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। अमीबा जैसे एक कोशिकीय शरीर सजीव में सारे आवश्यक कार्य उसी कोशिका के अंगों द्वारा किए जाते हैं। मतलब जो एक कोशिकीय सजीव होते हैं, उनमें और कार्य करने के लिए अलग अलग अंग नहीं होते, वो कोशिकाएं नहीं होती, अलग अलग अंग नहीं होते, एक ही कोशिका सारे कार्य करती है। और जो बहुत बहुकोशिकीय सजीव होते हैं, जैसे कुछ सजीव जैसे हमारा शरीर है, हम मानव का शरीर या कोई भी सजीव जो है, तो उनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं जिनसे मिलकर उनका शरीर बना होता है, उन्हें हम बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम मानव, जानवरों की सभी प्रजातियां और वनस्पतियां और कवक, ऐसे में उनके शरीर के विविध कार्य कैसे होते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसे अक्षर, अक्षर से बनता है शब्द, शब्दों को जोड़कर बनते हैं वाक्य, वाक्य से बनता है हमारा पाठ, और पाठ से बनता है हमारा पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक हमें रेडीमेड तो नहीं मिलती, इन सभी चीजों का स्टेप बाय स्टेप योगदान होता है, तब जाकर एक अच्छी पाठ्य पुस्तक हमारे तक पहुंचती है। तो ये क्रम तो हम जानते हैं कि अक्षर, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पाठ और पाठ्य से पाठ्य पुस्तक बनता है। इसी तरह हमारे शरीर की भी संरचना जो है वह विशेष क्रम में ही होती है। जैसे सबसे पहला, सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई है वो है कोशिका। कोशिकाओं के बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाते हैं ऊतक, और जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो उनसे बनता है हमारा अंगक, और अंगक से बनता है हमारा शरीर। तो ऊतक क्या है? कोशिकाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम जानेंगे कि ऊतक किसे कहते हैं। तो शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, और विज्ञान की जिस शाखा में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम औतकी कहते हैं। ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होते हैं, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृतियों में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी उत्पत्ति एक कार्य मतलब जो होता है वो समान ही होता है। बहुकोशिकीय सजीवों के शरीरों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, और इन कोशिकाओं का समूह में विभाजन होते हुए भी प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हमारे शरीर में मांसपेशियों के आकुंचन व प्रसारण के कारण हम हिंड उल पाते हैं। अगर हम स्टिफ होंगे, अगर हमारी मांसपेशियां अगर आकुंचन मतलब सिकुड़ेंगी नहीं और प्रसारण मतलब फैलेंगी नहीं, तो हम हिंड उल पाएंगे क्या? नहीं। वैसे वनस्पतियों में सहवनी पानी व अन्य का वहन शरीर के सभी भागों तक करते हैं, इसके लिए एक जगह पर रहकर भी वनस्पतियां अच्छे से फलती फूलती हैं। तो कोशिकाओं की विशेष रचना व उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी कार्य सर्वोच्च क्षमता से किए जाते हैं। अब ऊतक क्या है और उसके प्रकार, और ऊतक क्या हमने देखा उसके प्रकार क्या है? सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक क्या होता है कि सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए प्राणियों के अभिस्तर ऊतक व वनस्पतियों में मूल ऊतक। और दूसरा है जटिल ऊतक,
जिसे कहते हैं कि एक से अधिक कोशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं उसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जलवाहिनी व रसवाहिनी। सरल ऊतक, सरल ऊतक एक स्थायी ऊतक है। सरल ऊतकों को समांगी ऊतक मतलब होमोजिनस टिश्यू भी कहा जाता है। यह संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। उदाहरण के लिए प्राणियों के अभिस्तर ऊतक व वनस्पतियों के मूल ऊतक। जटिल ऊतक क्या होता है कि एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राणियों में रक्त व वनस्पतियों में जलवाहिनियां व रसवाहिनियां। अंतर स्पष्ट आ सकता है सरल ऊतक व जटिल ऊतक में। तो सरल ऊतक क्या है कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। उदाहरण के लिए पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक क्या होते हैं, ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए जाइलम और फ्लोएम। दूसरा पॉइंट ये है कि ये परत ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि ये संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। सरल ऊतक ये पतली और सरल कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जटिल ऊतक है कि इनकी कोशिकाएं भित्ति मोटी होती हैं। और सरल ऊतक का लास्ट पॉइंट है कि ये जीवित कोशिका है जो शिथिलता से जुड़ी होती है, इसलिए उनका कोशिकाओं के बीच में काफी जगह पाई जाती है। और जटिल ऊतक कैसा है, जाइलम की अधिकांशतः कोशिकाएं मृत होती हैं तथा फ्लोएम में फ्लोएम रेशे मृत होते हैं। इनकी आकृति नलिकाएं या छिद्रित भित्ति वाली होती है। ठीक है, क्या वनस्पतियों व प्राणियों में शरीर रचना व कार्य एक जैसे होते हैं? यहाँ पर हमें थोड़ा विचार करना है कि वनस्पति और प्राणी क्या दोनों की जो शरीर की रचना है वो और उनके कार्य एक जैसे होते हैं? तो उसका जवाब हमारा होगा नहीं। तो वो क्यों ऐसे होते हैं वो हम लोग अभी देखते हैं कि वनस्पतियों के स्थिर होने के कारण उनके बहुत सारे जो ऊतक होते हैं वो उनको आधार देने वाले ही होते हैं। वनस्पतियों में वृद्धि उनके शरीर के निश्चित भागों में होती है जहाँ विभाजी ऊतक पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ उनके शरीर में विभाजी ऊतक पाए जाते हैं जैसे जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, तो वहां पर जहाँ जहाँ विभाजी ऊतक पाए जाते हैं सिर्फ वहीं पर उनकी वृद्धि होती है। और प्राणियों को अन्य निवास व साथी की खोज के लिए हमेशा मतलब गतिविधि करना रहता है, मतलब स्थानांतरण करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह पर, जिसके लिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राणियों के अधिकांशतः ऊतक जीवित कोशिकाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्राणियों में वृद्धि सारे शरीर में एक होती है तथा इनमें विभाज्य अविभाज्य ऊतक जैसे भाग नहीं होते। अर्थात वनस्पतियों तथा प्राणियों में अलग अलग प्रकार के ऊतक कार्य करते हैं। ये उसका जवाब हुआ। प्राणी ऊतक किसे कहते हैं? प्राणियों के शरीर में अनेक अंग एकत्र आकर कार्य करते हैं, जैसे फेफड़े, श्वसन नलिका जैसे अंग। कुछ विशिष्ट मांसपेशियों के आकुंचन व प्रसारण के कारण श्वसन कार्य को पूर्ण कर पाते हैं। पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिका संवेदों की वाहक होती है। यहाँ पर देखेंगे रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स व अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती हैं। इन कार्यों के अनुसार ऊतक का अलग अलग प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। अब प्राणी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? प्राणी ऊतक के चार प्रकार हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका अभिस्तर ऊतक, फिर है आपका तंत्रिकीय ऊतक, फिर है आपका मांसपेशीय ऊतक और लास्ट में है आपका संयोजी ऊतक। तो ये चारों में से जो पहला है आपका अभिस्तर ऊतक उसके बारे में हम देखेंगे। अभिस्तर ऊतक किसे कहते हैं? प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरीय सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को हम अभिस्तर ऊतक कहते हैं। जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो भी एक अभिस्तर ऊतक, जिसे हम स्किन कहते हैं वो भी होता है। और शरीर के अंदर भी जितने भी अंग होते हैं उनको जो पार्शली अलग करता है, मतलब एक दूसरे से वो चिपके हुए नहीं होते हैं, उनको भी जो अलग करने का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिस्तर ऊतक यानी एपिथेलियल ऊतक। अभिस्तर ऊतक शरीर का एक विशिष्ट ऊतक है जो अंगों का आच्छादन करके उसकी रक्षा करता है। आच्छादन मतलब एक कवर, एक लेयर का निर्माण करता है। इसके खंडित न रहने से जीवाणु भीतर प्रवेश नहीं कर पाते,
क्योंकि इसकी कोशिकाएं एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से एकदम सटी हुई रहती हैं। प्राणियों के शरीर के संरक्षक आवरण को अभिस्तर ऊतक कहते हैं। ये उसकी परिभाषा है अभिस्तर ऊतक की। जो भी प्राणी है उसके शरीर पे जो संरक्षक आवरण होता है उसे हम अभिस्तर ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से मजबूती से सटी व अखंड स्तर के स्वरूप में पाई जाती हैं। शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी पदार्थ को पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। मतलब यदि हमारे स्किन पर कोई भी चीज गिरती तो क्या वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है? नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एक आच्छादन है, एक आवरण है। इसके लिए तो कुछ भी अगर पदार्थ हमारे ऊपर गिर रहा है तो उससे पहले सबसे पहले अभिस्तर ऊतक का सामना करना पड़ता है। अभिस्तर ऊतक की कोशिकाएं उनके बीच उपस्थित अन्य कोशिकाओं से तंतुमय पटल द्वारा अलग अलग होता है। जैसे त्वचा, मुंह के अंदर की त्वचा, रक्त वाहिनियां जो हमारे नसें होती हैं वो उनका स्तर, फेफड़ों में जो वायु कोश होता है वो उसका स्तर, इत्यादि क्या होते हैं? अभिस्तर ऊतक से बने होते हैं। आकृति में आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी अभिस्तर ऊतक के कार्य क्या है वो देखते हैं। अभिस्तर ऊतक के कई कार्य हैं जिनमें रोग जनकों द्वारा घर्षण, विकिरण क्षति, रासायनिक तनाव और आक्रमण से सुरक्षा शामिल है। अभिस्तर ऊतक पदार्थों के अवशोषण, स्राव और संचलन में शामिल होते हैं। त्वचा, मुंह की आंतरिक परत, पाचन तंत्र, स्राव ग्रंथियां, हृदय, फेफड़े, आंखें, कान, मूत्र जननांगी पथ, मस्तिष्क और रीढ़ की जो हड्डियों की जो केंद्रीय नलिकाएं होती हैं, ये सारी की सारी इस अभिस्तर ऊतक की सुरक्षात्मक जो आवरण होता है इसी द्वारा बना होता है। अभिस्तर ऊतक के प्रकार, अभी अभिस्तर ऊतक भी अलग अलग प्रकारों में विभाजित है। जैसे कि पहला है आपका सरल पट्टिकीय अभिस्तर, फिर है स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर, फिर है आपका ग्रंथिल अभिस्तर, स्तंभी अभिस्तर, पांचवा है रोमक पट्टिकीय अभिस्तर और छठवा और लास्ट है आपका गनाभ रूपी अभिस्तर। क्योंकि शरीर के जितने भी भाग हैं सभी जगहों पर अलग अलग तरह के अभिस्तर ऊतक पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्राप्त हो सके और हम सुचारू रूप से चल सके। तो सभी के बारे में एक एक, एक लाइन है, मैं पढ़ते जाती हूँ, आप लोग समझिए। जैसे कि पहला है आपका सरल पट्टिकीय अभिस्तर, ये कहाँ पाए जाते हैं? यह मुंह के आंतरिक भाग में अन्न नलिका, रक्त वाहिनियों, फेफड़े व वायु कोश के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है? ये पतली महीन चपटी कोशिकाओं के अर्धपाट पटल द्वारा बना होता है। इनका कार्य क्या होता है? निश्चित पदार्थों का ही ये फिर वहन करती हैं। कौन? पहला है आपका सरल पट्टिकीय अभिस्तर, फिर है आपका स्तरित पट्टिकीय अभिस्तर। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं त्वचा के बाह्य स्तर पर, जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना, वो त्वचा के बाह्य स्तर पर। कोशिकाएं एक पर एक ऐसी अनेक सतहों में लगी होती है। हमारी जो स्किन होती है सिर्फ जो ऊपर से दिख रही है वो नहीं होती, उसके नीचे भी काफी लेयर होते हैं। इसके लिए कभी कभार देखो नाखून से यदि लग जाता है तो सिर्फ खरोच आती है, मतलब पहली जो अपनी स्किन की जो अभिस्तर ऊतक का जो पहला लेयर होता है सिर्फ उस पे डैमेज होता है, और यदि जब किसी शार्प चीज से कट जाता है तब वो अभिस्तर ऊतक फटता है और हमारे जो रक्त वाहिनियों में से जो रक्त आता है वो हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। ये इसका कार्य क्या है? अंग या अंगों का छीजन रोकना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। फिर है आपका ग्रंथिल अभिस्तर ऊतक, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये त्वचा के अंदर की ओर पाए जाते हैं। इनका स्वरूप कैसा है? कोशिकाओं में श्रावक पदार्थों से भरी हुई पिट्टिका, पिट्टिका मतलब ऐसे पाउच जैसा होता है। तो इसका कार्य क्या है? पसीना, तेल, श्लेष्म या फिर अन्य पदार्थों का स्राव करना। कभी कभी स्किन पे हमारा देखो ऑयली स्किन हो जाता है तो ये कहाँ से निकलता है? आकृति में आप देख रहे हो लार ग्रंथि, तेल ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, पसीना भी निकलता है हमें, है ना, तेल भी निकलता है, तो ये ग्रंथि अभिस्तर द्वारा होता है। चौथा है स्तंभी अभिस्तर ऊतक, ये आंतों मतलब जो अंदर हमारा होता है आंत वहां, और जो अन्न मार्ग होता है जो खाने की जो नली होती है हमारी वहां के आंतरिक स्तर पर पाया जाता है। इसका स्वरूप क्या है? स्तंभ के आकार की खड़ी कोशिका, आकृति में जैसे आप देख रहे होंगे स्तंभ के जैसी होती है, खड़ी कोशिका होती है। ये अवशोषण का कार्य, ठीक है, अवशोषण का कार्य करने वाले अंगों की ऊपर की सतह इन कोशिकाओं की तह होती है, ठीक है। और इनका कार्य क्या होता है? पाचक रस का स्राव करना व पोषक द्रव्यों का अवशोषण करना।
ठीक है, आकृति में आप देख रहे होंगे कि आंत में कैसे आंतरस का वो स्राव करते हैं और पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पांचवा है आपका रोमन पट्टिकीय अभिस्तर, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये श्वसन मार्ग के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। कोशिकाओं में बाल जैसी रचना होती है, जो हमारा श्वसन मार्ग होता है वो पूरे मार्ग में बाल जैसी रचना पाई जाती है। श्लेष्मा व हवा आगे ढकेल कर श्वसन मार्ग को साफ करती हैं। जितने भी हमारे नाक में म्यूकस होता है, श्लेष्मा होता है, उसे वो बाहर ढकेलती हैं, और जो हम सांस लेते हैं उसे बाहर निकालती है, और श्वसन मार्ग को क्या करती है, साफ करती है। छठवा है आपका गनाभ रूपी अभिस्तर, जिसे हम कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथीलियम। वृक्क नलिका लार ग्रंथि की नलिका में पाई जाती है, जो हमारी किडनी वाली जो नलिका होती है वहां पर, और जो हमारे मुंह में जो लार बनते हैं वहां की जो नलिका होती है उसमें पाई जाती है। ये ठोसाकृति कोशिकाएं होती है, एकदम ठोस होती है, ठसी हुई रहती है एक दूसरे से। ये इनका कार्य क्या है? लाभदायक पदार्थ को मूत्र विसर्जन के पहले अवशोषित करना व लार का श्रावित करना। मतलब जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि हमारी जो वृक्क है वहां पर क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं, तो वहां पर अगर कोई लाभदायक पदार्थ पहुंचा है मूत्र विसर्जन के पहले, तो वहां से वो उन पदार्थों को अवशोषित करके हमारे शरीर में पुनः भेजती है, और दूसरा कार्य करती है जो लार निकलता है हमारे मुंह से उसका श्राव करती है वो। ठीक है, तो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है वो आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने जैव प्रौद्योगिकी की रचना देखी, उसमें हमने ऊतक किसे कहते हैं वो देखा, ऊतक के प्रकार देखे, और अभिस्तर ऊतक जो ऊतक का पहला प्रकार है उसके बारे में हम लोग ने डिटेल में देखा है। तो उसके 6 प्रकार थे, उन सभी 6ों का हम लोग ने बारीक बारीक से एक एक चीज उसके बारे में अध्ययन किया है। थैंक यू।